नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ये महिला कौन है जो विराट कोहली के गले लग रही हैं और फिर उनकी गालों पर किस कर रही हैं? जानते हैं, ये हैं कैरोलिन दा सिल्वा। कौन कैरोलिन दा सिल्वा? आप सोच रहे होंगे कि ये विराट की फैन है, तो जी हाँ, ये विराट की फैन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। और अलावे में क्या है, ये हैं वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर जोशुआ दा सिल्वा की माताजी। जी हाँ, ये उनकी माँ हैं और वो विराट कोहली की बड़ी फैन है। आपको बताऊं कि जब विराट जो है टीम बस के अंदर जाने वाले थे, उस वक्त जो है वो यहाँ पर कैरोलिन आती हैं, जो जोशुआ दा सिल्वा की माँ हैं, वो वहाँ आती हैं, वो उन्हें देखती हैं, उनके पास जाती हैं, उनके गले लगती हैं, उनकी गालों पर एक कस करती हैं, फिर वो जोशुआ की तरफ देखती हैं जो कि विकेटकीपर हैं वेस्ट इंडीज की टीम के और उनके बेटे हैं, उनसे कहती हैं कि टेक ए पिक्चर, एक पिक्चर लो विराट कोहली के साथ। वो अपने बेटे को कहती है कि हाँ भाई एक तस्वीर लो। और बाद में वो बताती है कि उन्होंने जोशुआ को कह दिया था कि देखो मैं विराट कोहली को देखने आ रही हूँ स्टेडियम, तुमको नहीं, तुमको तो मैं रोज देखती हूँ, तो मुझे विराट कोहली से मिलना है। और मिलने के बाद भी जो बातचीत हुई उसमें जोशुआ दा सिल्वा की जो माँ है वो ये कहती हैं कि विराट हमारे लाइफ टाइम के बेस्ट बैट्समैन हैं, तो उनको देखना, उनसे मिलना एक अलग तरह का अनुभव है। वो विराट की तारीफ करती हैं, उनके क्रिकेटिंग स्किल्स की तो तारीफ करती ही हैं, एज ए पर्सन भी वो विराट कोहली की काफ़ी तारीफ करती हैं, अनुष्का शर्मा की तारीफ करती हैं और कहती हैं यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, ये बातें भी कहती हैं जोशुआ दा सिल्वा की माँ। यही नहीं, वो चाहती हैं कि उनके जो बेटे हैं जोशुआ दा सिल्वा, जो कि वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर हैं, वो क्रिकेट में विराट के पदचिन्हों पर चलें, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करें और उन्हीं की तरह बने, ये उनकी दिली इच्छा है। तो ये तो हर माँ की इच्छा होगी कि जो उनका बेटा है वो विराट कोहली के जैसा खेले, कौन नहीं चाहेगा। और यही विराट का जो है वो कद है। वो कहते हैं ना कि आम तौर पर जब आप मैदान में उतरते हैं तो जो प्रतिद्वंद्वी होता है वो चाहता है कि आपको जितनी जल्दी आउट कर दे, प्रतिद्वंदिता रहती है और प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का कद इतना ऊंचा हो जाता है कि जो प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी होते हैं वो प्रतिस्पर्धा तो करते हैं लेकिन आपके लिए बेहतर ही सोचते हैं। मैदान की ही बात कर लेता हूं, यही जोशुआ दा सिल्वा की ही बात करता हूं। जब विराट कोहली एक बार दो रन लेते हैं तो लगता है जैसे जोशुआ घबरा गए हैं, और उस पर विराट कोहली कहते भी है कि ऐसा मैं सालों से करते आ रहा हूं, दो रन चुराने का पुरानी आदत हो गई है। इसके अलावा विराट कोहली से वो कहते हैं कि देखिए आप डोमिनिका में अपनी सेंचुरी मिस कर गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले टेस्ट मैच में विराट शतक नहीं लगा पाए थे, तो ये विराट के शतक के पहले की बात है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको शतक लगाना है, गेट योर 100 विराट। और इस पर जो है विराट कोहली कहते हैं यू आर ऑब्सेस्ड विद माई माइलस्टोन्स, क्या आप ऑब्सेस्ड हो मेरे माइलस्टोन्स को लेकर? और उस पर जोशुआ का जवाब आता है आई नो आई एम, मैं हूं, आई वॉन्ट यू टू गेट योर 100, मैं चाहता हूं कि आप शतक लगाएं। तो ये है कि आपका कद इतना ऊंचा हो गया है खिलाड़ी के तौर पर कि जो आपकी विपक्षी टीम का खिलाड़ी है वो आपका इतना बड़ा फैन है कि वो भी चाहता है कि आप शतक लगाएं। हालांकि प्रतिस्पर्धा में कोई कमी नहीं है, वो आपको आउट करना चाह रहा है, ये बात भी सच है, लेकिन वो आपके लिए अच्छी सोच ही रखता है। और ये एक खिलाड़ी के जीवन की आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। विराट ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 29वां शतक जो है वो लगा लिया है और अब वो क्रिकेट के महानतम डॉन ब्रैडमैन के टेस्ट शतकों की रिकॉर्ड की बराबरी पर भी आ गए हैं। 29 टेस्ट शतक उनके नाम है, ब्रैडमैन ने भी 29 टेस्ट शतक लगाए थे। ये अलग बात है कि ब्रैडमैन ने सिर्फ 52 टेस्ट मैचों में जो है 29 शतक लगाए थे, लेकिन विराट का कद भी बहुत ऊंचा होता जा रहा है क्रिकेट की दुनिया में और वो अपने प्रदर्शन से जो है नए नए फैंस बनाते जा रहे हैं। हम विराट को उनके भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।